नमस्कार दोस्तों, हर बार की तरह आज फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक नई जानकारी के साथ आपके साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें कि होता क्या है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो दूध घटने की समस्या से बहुत परेशान रहते हैं कि दूध घट गया, फैट घट गया, SNF घट रही है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉपर रेट अच्छा नहीं मिल पाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम अपने पशु का दूध, SNF, फैट इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए, ये सिंपल सा मैं बता देता हूँ कि किसी भी चीज़ से दूध नहीं बढ़ता है, क्योंकि दूध में लगभग 70 से 80% पानी होता है। तो अगर पानी की कमी है पशु में तो उसका दूध कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो आइए हम अपनी क्रिया शुरू करते हैं। ये देखिए, अगर आपको फैट बढ़ाना है तो ये बिनौले की खल है, ये देखिए, ये प्योर कच्ची घानी बिनौले की खल है, जिसको आप पशुओं को खिलाया करिए। शाम को पानी में भिगोने के बाद सुबह में डालेंगे तो इससे उसका फैट अच्छा आएगा, फैट अच्छा आएगा तो कीमत अच्छी मिलेगी। ये तो रहा फैट इंक्रीज़ करने का फॉर्मूला, इसको कैसे देना है, शाम को भिगोना है, सुबह को पशु के चारे के साथ में इसको दे देना है। अगर ये नहीं है तो आप सिंपल डायरेक्ट बिनोला भी दे सकते हैं। अब दूध कैसे बढ़ाएं, ये है हमारे पास में, ये हमारे पास सोयाबीन की चूरी है, ये थोड़ा चोकर से सस्ती आती है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये हमने इसमें लिया है और इसको हमें पशु को कैसे देना है, ये हमने पहले से ही इसमें भिगो के रखा है इसको, और हम भिगो सकते हैं थोड़े से, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, ये हमारे पास चूने का पैकेट है जो हम अपने पशुओं को वैसे भी देते हैं, सब पानी में भिगोने के, जिससे कि ये आसानी से फीड में घुल जाए। ये हमने इसका पानी हमने इसमें डाल दिया, जिससे कि इसमें फैट वगैरह अच्छा आएगा, घी बढ़ेगा। अब इसमें क्या करना है, अगर आपका पशु इसे डायरेक्ट पी ले तो वो और भी अच्छा है, अगर नहीं पीता है तो आप इसके फीड में भी इसको डाल सकते हैं। इस तरह से क्या है, इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, जिससे कि पशु आराम से इसको खा सके। इसे खाने के, खिलाने के कई फायदे होंगे। एक तो फायदा ये होगा कि जब, क्योंकि डायरेक्ट तो पशु पानी पिएगा नहीं, इसको इस तरह से हम देंगे तो एक तो उसका शरीर में पानी की मात्रा बढ़ेगी, पानी की मात्रा बढ़ेगी। दूसरा, हमने जो चूना डाला है उससे क्या होगा कि घी और फैट दोनों में वृद्धि होगी और पशु को कैल्शियम भी बना रहेगा। तो ये देखिए, इस तरह से कितने अच्छे चाव से पशु इसको खा रहा है और पी रहा है। तो मैं, जहाँ तक कि मेरे पास में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे किसान भाइयों के कि दूध घटने की समस्या से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये हमने एक सुझाव दिया है जो काफ़ी कारगर साबित होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरह से आपका प्यार और स्नेह हमें मिलता रहेगा। आगे की वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आगे की वीडियो में नई जानकारी के साथ हम मिलेंगे। अगर किसी भाई को किसी भी तरह की कोई नई जानकारी चाहिए पशुओं से संबंधित या फिर मानव जीवन के स्वास्थ्य से संबंधित, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकता है। इससे
जो हमने आज जो प्रयोग विधि बताई है उससे बहुत आश्चर्यजनक बेनिफिट ये होगा कि कैल्शियम की जो आपूर्ति है पशु के अंदर, जो दूध देने वाले हैं उनके अंदर बहुत अच्छी कैल्शियम का स्रोत है जो चूना हमने दिया है वो। इससे क्या होगा कि एक तो कैल्शियम उनका अच्छा रहेगा, टूटेगा नहीं, और दूसरा फैट SNF की क्वांटिटी इसमें बरकरार रहेगी। जो हमने आपको बिनोला की खली जो बताई है वो आप मॉर्निंग इवनिंग किसी भी समय दे सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए हमें इतना ही, आगे की जानकारी के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार।